देखो यहाँ पे हमने पास क्वेश्चन किया, हमें टू इक्वेशंस गिवन है, एक्स प्लस 5y-z इज इक्वल टू 7, ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x-5y+3z इज इक्वल टू -1। यदि हम इन इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x, एंड ये कैंसिल आउट हो गया 5y-5y एंड प्लस 2z इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये हाँ, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 6-2z इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं इसको लेमडा, ठीक है यहाँ तक, तो x इज इक्वल टू तो क्या आ जाएगा लेमडा बाई 3 एंड z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 6-λ/2, यहाँ तक ठीक है। अब लेमडा में x हमारे पास लेमडा की फॉर्म में आ गया, z हमारे पास लेमडा की फॉर्म में आ गया, ठीक है, और ये वैल्यू x एंड z की मैं यदि फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो देखो क्या आ जाएगी, x फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 5y-z इज इक्वल टू 7, यही है, इसमें हम x एंड z की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x तो क्या है लेमडा बाई 3 प्लस 5y-z क्या है 6-λ/2 इज इक्वल टू 7, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेमडा बाई 3 प्लस 5y माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस लेमडा माइनस 6 हो जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2λ प्लस 10y, 2 क्या 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30y आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3λ-18 इज इक्वल टू 7, ठीक है यहाँ तक। तो देखो ये क्या आ गया 30y+5λ एंड इज इक्वल टू ये 18, यदि इस तरफ आ जाएगा तो आ जाएगा 25, और ये इक्वेशन है वो 5 से, देखो 5 से डिवाइड हो रही है तो 6y+y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी ये क्या है 5λ है, सॉरी यहाँ पे तो लेमडा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ गया अपने पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 5-λ/6, ये y आ गया अपने पास यहाँ तक ठीक है। यदि हम लेमडा की वैल्यू यहाँ पे y के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5-6y, और ये लेमडा की वैल्यू 5-6y है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3x, देखो 3x इज इक्वल टू क्या है 6-2z इज इक्वल टू लेमडा, 2z इज इक्वल टू लेमडा, तो 3x इज इक्वल टू 6-2y, सॉरी 2z इज इक्वल टू लेमडा क्या है y की फॉर्म में 5-6y, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं पूरी को 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3x/12 क्या हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 6/12 यानी कि 1/2-z/6, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 3-z/6, ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 कॉमन लेंगे तो 5-5/6-y/12 है, ऐसा आ जाएगा ठीक है, एंड सॉरी 12 है, यहाँ पे 12 थोड़ा ना आएगा क्योंकि 6 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास x बाई, अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या हमें 6 से डिवाइड कर देना चाहिए था, सॉरी पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z माइनस 3, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम z-3/-3 इज इक्वल टू y-5/6/-2, और ये एक सिंपल सिमेट्रिक लाइन की फॉर्म में है इक्वेशन, जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है 0, 3, 5/6 है, और जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 2-3-2, ओके इजी है।